हेलो स्टूडेंट, आज मैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में एनालिसिस करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है लेवलिंग। ठीक है, सबसे पहले लेवलिंग क्या होता है यानी मीनिंग ऑफ लेवलिंग समझेंगे, उसके बाद लेवलिंग करते क्यों हैं उसके बारे में समझेंगे, और लेवलिंग करते समय कौन कौन सा टेक्निकल टर्म का यूज करते हैं उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बड़े आराम आराम से, और इस चीज़ को कंसेप्ट को बड़े आराम आराम से बिल्ड करेंगे, कोई अकबकाना नहीं है। एग्ज़ाम का समय बहुत अभी बचा हुआ है, ठीक है, तुम जरा सा भी टेंशन नहीं लेना। जब सिलेबस टाइम पर ख़त्म होगी, एकदम टाइम से पहले ही ख़त्म होगी, ठीक है ना। ये मान लिया जाए कि अर्थ का सेप है। क्या है? अर्थ का सेप है। दिखा पड़ा ना, ये क्या है? शेप ऑफ द अर्थ है, ठीक है ना। अब ये अर्थ का शेप हम लोग तो जानते ही थे कैसा था, तो बोले कि ज्योइड शेप का था। कैसा था? ज्योइड शेप का था। लेकिन इसकी कर्वेचर कैसा था? तो इसकी कर्वेचर जियोडेटिक था। क्या था? जियोडेटिक था। देखिए बड़े आराम से हमने क्या किया, एक अर्थ का सरफेस बनाया। अर्थ का एक्चुअल में जो सरफेस होता है कुछ ऐसा ही होता है। सर तो आप तो बहुत बढ़िया बना दिए, जैसे हाथ घूम जाता है वैसे ही अच्छा होता है अर्थ का शेप, ठीक है ना। तो ये अर्थ का शेप है। क्या है? अर्थ का शेप है। इस अर्थ का शेप को ही बोलते हैं जियोडेटिक शेप। क्या बोलते हैं? जियोडेटिक शेप, ठीक है ना, या ज्वाइड शेप, ठीक है ना। तो बड़े आराम से इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि अर्थ का शेप है तो इस पर हम एक बूंद पानी रखने की कोशिश करते हैं। अगर एक बूंद पानी यहाँ पे रखें और एक बूंद पानी हम यहाँ पे रखने की कोशिश करें, ये दो बूंद हम पानी के रखें, एक ए पॉइंट पर और दूसरा पॉइंट बी पर, तो हम लोग को क्या देखने को मिलेगा? ऑब्जर्व हमने क्या करेंगे? ऑब्जर्व हम लोग यही करेंगे कि पानी जो है वो मूव कर जा रहा है ए से सी की ओर, पानी जो मूव कर जा रहा है बी से सी की ओर, यानी पानी वाटर फ्लो टुवार्ड सी फ्रॉम ए, वाटर ए ड्रॉपलेट बी फ्लो टुवार्ड सी, यानी सी के टुवार्ड मूव कर रहा, फ्लो कर जा रहा। इसका मतलब हम लोग यही समझेंगे, हम लोग यहाँ से यहाँ मूव कर जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, और वाटर में मूवमेंट हम लोग जानते हैं कि वाटर ऑलवेज मूव टू, वाटर मूव टुवार्ड्स, वाटर ऑलवेज मूव टू हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पानी हमेशा कहाँ से कहाँ मूव कर रहा होगा? ए पोटेंशियल से सी की ओर, यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल से की ओर हमेशा पानी क्या करता है? मूव करता है। इस चीज़ को आप अंडरलाइन करने की कोशिश कीजिएगा, पानी हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव कर रहा है, और यहाँ पे पानी मूव कर रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पानी को मूव करने के लिए, वाटर में मूवमेंट देखने के लिए, यानी वाटर को फ्लो करने के लिए हम लोग को क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगा? तो बोला कि पोटेंशियल में डिफरेंस की जरूरत पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत पड़ेगा। बड़े आराम से चीजों को समझिए, वाटर को मूव करने के लिए पोटेंशियल में डिफरेंस की जरूरत पड़ेगा। पोटेंशियल में डिफरेंस का मतलब हाई से लो पोटेंशियल होना चाहिए, तभी वाटर मूव करेगा, और यहाँ पे मूव कर रहा, इसका मतलब हम बोल सकते हैं क्या कि ए की पोटेंशियल ज़्यादा है किसके कंपेरिजन में? सी के कंपेरिजन में ए की पोटेंशियल ज़्यादा है। ए का पोटेंशियल क्या है? मोर है, और इसकी पोटेंशियल क्या है? लेस है। ये पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, पूरा बराबर लिखे सर, हम आप कंजूसी का है कर रहे हैं इतना अभी ऐसे
अभी टॉपिक वह स्टार्ट किए हैं, चंडल लो। अगर पोटेंशियल की बात करें तो ए का पोटेंशियल ज़्यादा है और सी का पोटेंशियल क्या है, कम है। तो पानी हमेशा मूव कहाँ से कहाँ करेगा बाव, तो ए से सी की ओर मूव करेगा, ये दिख भी रहा है। अगर बी का पोटेंशियल क्या है, मोर है, और सी का पोटेंशियल क्या है, लेस है। क्या है, लेस है। इसका मतलब यहाँ पे पानी किधर मूव करेगा, बी से सी की ओर मूव करेगा। ये बात से फाइनली हम लोग यही चीज़ सीखे, ये दोनों ही बात से हम लोग फाइनली बात यही चीज़ सीखें, क्या सीखें कि पानी हमेशा मूव करेगा हायर पोटेंशियल लेवल से लोअर पोटेंशियल लेवल की ओर, यही तो। और ये चीज़ से हमको पता चला कि अर्थ का जो शेप कुछ इस तरह का है, इसका मतलब अर्थ का शेप पर डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल पाया जाएगा, और डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल पाया जाएगा इसका मतलब अर्थ का जो जियोडेटिक शेप है उस पर पोटेंशियल लेवल डिफरेंस होगा। हर एक पॉइंट का पोटेंशियल मे भी चेंज कर सकता है, और कन्फर्म चेंज करेगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल कुछ और, इस पॉइंट का पोटेंशियल कुछ और, इस पॉइंट का पोटेंशियल कुछ और, हो सकता है कुछ पॉइंट का सेम भी हो जाए, बट मैक्सिमम चांस में आप देखिए कि अर्थ का हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, चेंज होगा इस जियोडेटिक कर्व के वजह से हर एक पॉइंट पर क्या होगा, उसकी पोटेंशियल चेंज होगा, जिसकी वजह से वाटर क्या होगा, मूव करेगा। इतना बात समझ आया, फाइनल बात यही समझ में आया कि जियोडेटिक शेप जो अर्थ का है, जियोडेटिक शेप जो है अर्थ का, उस पर क्या मिला, पोटेंशियल डिफरेंस मिला। क्या मिला, पोटेंशियल डिफरेंस मिला। और जब पोटेंशियल डिफरेंस मिला बॉ, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो सरफेस होगा वो कैसा होगा, लेवल सरफेस नहीं होगा, डिफरेंट पोटेंशियल सरफेस मिलेगा। क्या बनेगा, डिफरेंट पोटेंशियल सरफेस मिला। इस सारे चीज को एनालिसिस करने के बाद हम लोग को दिमाग में ये बात चलने लगा पहले तो इसको इरेज करो, चंडा ले क्या है, ठीक है ना, पहले इसको क्या करो, इरेज करो। अब बताओ, जैसे ही इसको इरेज जैसे ही किए तो हम लोग को दिमाग में ये चल रहा है, क्या सर आप यहाँ पे पानी रख रहे हैं, फ्लो कर रहा है, कहीं कहीं ऐसा भी तो होगा कि पानी रखेंगे और फ्लो करवे नहीं करेगा। तो उस प्लेन को, उस शेप को आप कंसीडर करो जिस शेप पर हम पानी रखें और वो पानी मूव ही ना करे। उस शेप को आप कंसीडर करो कि जिस शेप पर हम पानी रखें और वो मूव ही ना करे। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, लो वो भी शेप को हम कंसीडर कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करिए कि देखिए लो यही शेप है, वो एक अलग से हमने शेप माना और इस शेप पर भी हमने पानी के बूंद को रख करके चेक किया, और पानी के बूंद को रख करके चेक किया, मान लिया जाए कि यहाँ पे एक अलग से पॉइंट माना पी। क्या माना, ये पॉइंट माना पी, और पी पर जैसे ही कोई एक बूंद को रखा पानी को, तो ना इधर मूव कर रहा है और ना इधर मूव कर रहा है। यहाँ पे भी एक पानी के बूंद को रखा तो ना पानी की बूंद इधर मूव कर रहा है और ना पानी की बूंद इधर मूव कर रहा है। ये दोनों बात से, ये पी और क्यू दोनों पॉइंट पर हम लोग वाटर के ड्रॉपलेट को रख करके पता चला और पानी मूव नहीं कर रहा है, पानी के बूंद, ये बात से पता चल रहा है कि मूव करने के लिए तो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए और मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं है, पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। और जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब इक्वल पोटेंशियल है हर एक पॉइंट पर। क्या है, इक्वल पोटेंशियल ईच एंड एवरी पॉइंट। और जब ऐसा हम लोग को मिलेगा तो इसी
इसी वाला पोटेंशियल को बोलेंगे, यही वाला पोटेंशियल लाइन को बोलेंगे इक्विपोटेंशियल। क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल। और इस सरफेस को बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इक्विपोटेंशियल सरफेस हमको पता चला, देखो ये वाला जो सरफेस है इसको बोले हम लोग क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस या इक्विपोटेंशियल लाइन भी तो बोल सकता है। अब जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है इसका मतलब क्या समझ आया? इसका मतलब यही समझ में आया कि ये पूरा एक लेवल में है, कच्ची में एक लेवल में है, और एक लेवल में रहने की वजह से वाटर मूव नहीं करेगा, इसीलिए इसको दूसरा टर्म से बोलता है कि लेवल सरफेस। क्या बोलते हैं? लेवल सरफेस। और लेवल सरफेस, किसी भी सरफेस को लेवल में लाने के लिए ही, किसी भी सरफेस को अर्थ के किसी भी कहीं पे भी अगर एक लेवल में लाने के लिए ही जितने प्रोसेस करते हैं, अर्थ के सरफेस पर जितने भी जो भी पॉइंट हम लोग को मिलते हैं, ये सब को सारे चीज़ को एक लेवल में लाने के लिए ही जितना प्रोसेस का यूज करते हैं, सरफेस को लेवल में लाने के लिए ही जितना प्रोसेस करते हैं, तो उस सारे प्रोसेस को हम लोग पढ़ते हैं लेवलिंग में। कैसे पढ़ते हैं? लेवलिंग में पढ़ते हैं। तो बताइए कि इस सरफेस को, ये जियोडेटिक सरफेस को एक लेवल में लाने के लिए हमको करना क्या होगा, इस बात को सोचना है हमको। इसको एक सरफेस में लाने के लिए, अब इसको थोड़ा सा करते हैं इरेज, और आप लोग एक फिगर यहाँ से क्लीन क्लीन बनाइएगा। ये नहीं कि सर मिटा रहा है तो हम वो मिटा रहे हैं, चैनल मिटा रहे नहीं करे, कलम से लिख रहा है तो ठीक है ना। हाँ, तो समझने की कोशिश कीजिए, हमने थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ, और बहुत आसान है चीज़ों को समझना। हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि सरफेस को एक लेवल में लाना है, तो एक लेवल में लाने के लिए ये सारे को करना होगा कटिंग। क्या करना होगा? कटिंग। और यहाँ के इसको करना होगा फिलिंग, यहाँ से काट के यहाँ भरो, और इसी को बोले करना होगा कटिंग। जब इतना जब कटिंग कर देंगे तो हमारा जो फाइनल जो कर्व मिलेगा, यही कर्व मिलेगा, यही प्लेन मिलेगा, और इसी प्लेन को बोलेंगे क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस या लेवल सरफेस। और यही लाने के लिए हम लोग को पूरा का पूरा पढ़ना पड़ता है लेवलिंग। लेवलिंग में कुछ नहीं करना है, एक सरफेस को लेवल में लाने के लिए ही, किसी सरफेस को एक लेवल में लाने के लिए ही हम लोग को जितना प्रोसेस करेंगे, जितना काम करेंगे, सारा लेवलिंग में पढ़ेंगे। तो सर कैसे पता चलेगा कि एक लेवल में आ गया, कैसे पता चलेगा कि एक लेवल में आ गया? चंडाल, अभी अभी हमने बताया कि अगर पानी को रखो और पानी मूव नहीं कर रहा है, पानी जहाँ के तहाँ है, इसका मतलब आपके सरफेस लेवल में आ गए। क्या आ गए? लेवल में आ गए। और वही चीज़ को लेवल में लाने के लिए, वही चीज़ को लेवल में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट पता करते हैं कि इस पॉइंट सारे पॉइंट को मार्क आउट करते हैं। ये सारे पॉइंट को क्या करते हैं? मार्क आउट करते हैं। अगर मान लिया जाए कि इस पॉइंट को अगर ए गलती से माने, और इस पॉइंट को बी माने, इस पॉइंट को सी माने, और इस पॉइंट को डी माने, तो इस पॉइंट की यहाँ से कितना हाइट है, यहाँ से कितना हाइट है, अगर गलती से ये पता चल जाएगा तो इतना हाइट को काट देंगे। यहाँ से कितना हाइट है, अगर ये गलती से पता चला तो ये वाला काट देंगे। यहाँ से हाइट कितना है, ये हाइट पता चला तो इसको उड़ा देंगे। तो हमको पता चलेगा कितना कटिंग करना है, कितना फिलिंग करना है, तो हमको ये सारा चीज़ पता चलेगा। तो कटिंग फिलिंग करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगा ये हाइट की, किसकी? ये हाइट की। तो ये हाइट हम नापेंगे कहाँ से? ये मेजर क्वेश्चंस आते हैं कि अगर ये हाइट सर यहाँ से यहाँ तक इसको हाइट माना h, तो सर यहाँ से ही क्यों माने, आप कहीं और से क्यों नहीं मान सकते हो? हम मानने के लिए स्वतंत्र हैं, हम कहीं से भी मान सकते हैं, बशर्ते किसी भी चीज़ को हाइट को मेजरमेंट यहाँ पे करने के लिए एक रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी। किसी की ज़रूरत पड़ेगी? रेफरेंस। एक रेफरेंस की ज़रूरत होगी, और यही रेफरेंस के हिसाब से हम सारा चीज़ का हाइट मेजरमेंट कर लेंगे।
और यही हाइट को मेजरमेंट करना है, इसी हाइट को मेजरमेंट करना है। कहाँ से? एक रेफरेंस से। कहाँ से? कोई भी चीज़ को अगर कोई रेफरेंस से मेजरमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब वो जो हाइट, अगर यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं हाइट की, हाइट को मेजरमेंट कर रहे हैं किसी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, तब उस हाइट को बोलेंगे रिलेटिव हाइट। क्या बोलेंगे? रिलेटिव हाइट। देखिए रिलेटिव कहने का मतलब समझ जाइए, रिलेटिव का मतलब होता है मेजर विथ रिस्पेक्ट टू अदर, मेजर विथ रिस्पेक्ट, मेजर विथ रिस्पेक्ट टू अदर, यानी दूसरे के रिस्पेक्ट में जो भी चीज़ हम लोग मेजर करते हैं उसको बोलते हैं रिलेटिव। क्या बोलते हैं? तो हम लोग यहाँ पे हाइट को मेजरमेंट करेंगे, इसका मतलब एक हाइट दूसरे के रिस्पेक्ट में मेजरमेंट करेंगे तब उसको हम लोग बोलेंगे रिलेटिव हाइट। तो समझने की कोशिश यहाँ पे थोड़ा सा कीजिए, इसको मैं करता हूँ इरेज। हमको टारगेट अब क्या मिला, लेवलिंग करने के लिए हमको टारगेट मिला कि यहाँ पे इस अर्थ का सरफेस के ऊपर की हाइट पता करो, इस सरफेस की नीचे की हाइट पता करो, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस की ऊपर की हाइट पता करो, ये हमारा टारगेट है। टारगेट को बड़े ध्यान से समझो, हमारा टारगेट है कि ये पॉइंट की हाइट पता करो, ये पॉइंट की हाइट पता करो, ये पॉइंट की हाइट पता करो और इस पॉइंट की हाइट पता करो, ये हमारा टारगेट है। अब इस टारगेट को हम लोग को हाइट पता करने के लिए एक रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी, और वो रेफरेंस कहाँ से मानना है ये डिपेंड करेगा आप पर कि आखिर वो रेफरेंस हम माने तो कहाँ से माने। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आप ये करोगे कि लेवलिंग क्या होता है उसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं। लेवलिंग क्या पता किए, लेवलिंग इतना कंसेप्ट पढ़ने से हमको यही पता चला कि द ब्रांच ऑफ सिविल, द ब्रांच ऑफ सर्वेइंग, द ब्रांच ऑफ सर्वेइंग इन विच, इन विच बी, इन विच बी स्टडी अबाउट या डील्स अबाउट, डील्स अबाउट रिलेटिव हाइट, रिलेटिव हाइट एलिवेशन भी बोल सकते हैं, रिलेटिव एलिवेशन, रिलेटिव एलिवेशन ऑफ डिफरेंट, डिफरेंट पॉइंट, पॉइंट, डिफरेंट पॉइंट फ्रॉम फिक्स्ड रेफरेंस, रेफरेंस, रेफरेंस की मीनिंग थोड़ा चेकआउट कर लीजिएगा, रेफरेंस, रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड रेफरेंस, ठीक है ना, ऑन द ऑन एबव, एबव और बिलो, बिलो ऑफ द अर्थ, अर्थ सरफेस। इस चीज को आप समझिए कि लेवलिंग में हम लोग यही पढ़े कि इस पॉइंट की रिलेटिव हाइट पता करना, इस पॉइंट की रिलेटिव हाइट पता करना, इस पॉइंट की रिलेटिव हाइट पता करना और इस पॉइंट की रिलेटिव हाइट पता करना, अर्थ सरफेस के ऊपर भी, अर्थ सरफेस के नीचे भी, कहीं पे भी आपकी क्या करना है, रिलेटिव हाइट को पता करना है, तब उस ब्रांच को, उस ब्रांच को हम लोग बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे, लेवलिंग बोलेंगे। ठीक है ना, लेवलिंग बोलेंगे। एक बात और आता है कि लेवलिंग में कैसे हाइट को मेजरमेंट करते हैं, हॉरिजेंटल हाइट को मेजरमेंट करते हैं कि वर्टिकल हाइट को, तो लेवलिंग में हमेशा क्या करते हैं, वर्टिकल हाइट को मेजरमेंट करते हैं। डील्स, डील्स इन, इन दिस ब्रांच, डील्स ओनली वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट,
वर्टिकल हाइट को ही सिर्फ डील करेंगे इन वर्टिकल प्लेन, इन किस में, वर्टिकल प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में। देखिए ये चीज़ आपके ऑब्जेक्टिव लाइक बनेंगे, ठीक है ना, कि इसमें कौन सा चीज़ को हम लोग डील करते हैं, तो वर्टिकल हाइट, ठीक है ना। यहाँ पे भी लिख दीजिए वर्टिकल एलिवेशन, रिलेटिव वर्टिकल एलिवेशन लिख दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा डिफिनेशन सुंदर बनेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि इन दिस ब्रांच डील्स ओनली वर्टिकल हाइट इन वर्टिकल प्लेन। देखिए इस चीज़ को आप अंडरलाइन भी कर सकते हो कि वर्टिकल हाइट को डिटरमाइन करते हैं और वर्टिकल प्लेन में ही स्टडी करते हैं, इस चीज़ को आप अंडरलाइन करने योग्य बात है, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ तक अपन के डिफिनेशन और होल इंट्रोडक्शन किया कंप्लीट। अभी तक जो फिर से बात आते हैं कि रेफरेंस की बात कर रहे थे, आखिर ये पॉइंट है उसकी उसकी हाइट बताएंगे कहाँ से, तो आपके लिए होनी चाहिए एक रेफरेंस होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, एक रेफरेंस होनी चाहिए, एक क्या होनी चाहिए, रेफरेंस होनी चाहिए। तो रेफरेंस आप कहाँ से लेंगे, रेफरेंस आप कहाँ से लेंगे, तो आपकी सबसे पहला जो दिमाग काम कर रहा होगा कि सर हम तो रेफरेंस लेने के लिए सोच रहे हैं सेंटर ऑफ द अर्थ से, तो बताइए कि कहीं ना कहीं अर्थ का कुछ ना कुछ तो सेंटर होगा ही होगा, एकदम होगा, ऑब्वियस है कि सेंटर होगा। तो अर्थ का सेंटर, अर्थ का सेंटर से अगर हाइट पता करेंगे, अगर इसकी हाइट अर्थ का सेंटर से पता कर रहे हैं, इसका मतलब इसका टेक्निकल टर्म कुछ और बोलेंगे। दूसरी बात कि रेफरेंस क्या सेंटर ऑफ द अर्थ भी ले सकते हैं कि और अदर भी ले सकते हैं, तो रेफरेंस आप बहुत जगह से ले सकते हैं, आप अर्थ का सेंटर से भी रेफरेंस ले सकते हैं, अर्थ का सेंटर से भी, सेंटर ऑफ द अर्थ लिखो, सेंटर ऑफ द अर्थ। दूसरा आप ले सकते हो मीन से ले सकते हो, मीन सी लेवल। चौथा ले सकते हो कोई ऐसे ही कहीं के एक फिक्स्ड लोकेशन, लोकेशन, या इसका मतलब आप रेफरेंस कहीं से भी ले सकते हो, इसके लिए आप फ्री हो। दिक्कत तो तब आई कि जो सर अब अर्थ के लिए लेंगे, अर्थ से जब किसी चीज़ का मेजरमेंट लेंगे तो अलग डाटा आएगा, मीन सी लेवल से भी किसी इसी पॉइंट का हाइट अलग आएगा, फिक्स्ड लोकेशन से भी कहीं से भी अगर हम लेंगे तो इसकी हाइट अलग आएगा, तो कौन सी हाइट वैल्यूएबल होगा, दिक्कत तो यहाँ पे आती है। तो इसी चीज़ के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टेक्निकल टर्म का यहाँ पे स्टडी करते हैं। तब तक करते हैं वीडियो को पॉज और इसको करते हैं इरेज। तब हम लोग इस अर्थ का सेंटर से भी इसकी हाइट पता करते हैं कि इसकी हाइट अर्थ के सेंटर से कितना है। तो जब अर्थ के सेंटर से जब इसकी हाइट पता करते हैं, तब इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट लेवल। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट लेवल। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट लेवल, ठीक है ना। अगर किसी भी चीज़ का अगर हाइट या उसकी लेवल अगर अर्थ के सेंटर से पता करते हैं, तब उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट लेवल। तो यहाँ पे लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे, सम इम्पोर्टेंट टेक्निकल टर्म यूज्ड इन लेबलिंग। लेबलिंग के लिए कौन कौन सा टेक्निकल टर्म का हम लोग यूज करेंगे, उसमें सबसे पहला जो टेक्निकल टर्म अपन को आया वो आया एब्सोल्यूट लेबल। एब्सोल्यूट लेबल देखिए, किसी भी पॉइंट की लेवल यानी किसी भी पॉइंट की अगर हाइट की मेजरमेंट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ, तब हम उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट लेवल। लिखेंगे द लेवल एबल कंसीडर विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के सेंटर से जो भी चीज अगर हम कंसीडर करेंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे बाबू,
तो उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट लेवल। क्या बोलेंगे? अगर इसको अगर गलती से मानेंगे एच तो हम बोलेंगे कि ओ, अगर इसको सेंटर ओ मानते हैं तो ओ से एच की जो लेवल होगी वो होगी क्या, ओ एच से जो लेवल होगी वो क्या होगी, एब्सोल्यूट लेवल। इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश कीजिए। अब जो हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे हम लोग एब्सोल्यूट लेवल तक कर लिया फिनिश, लेकिन क्या हर एक स्थिति में आप अर्थ के सेंटर ढूंढने जाओगे तो हो जाएगा समस्या। तो उस स्थिति में हम लोग क्या किए कि कोई ऐसा जगह अर्थ के बताओ, अर्थ पर के कोई ऐसा जगह बताओ जो सबसे नीचा हो, और वहीं से हम लोग क्या करें उसकी रेफरेंस लें और सारे पॉइंट। अब क्या हुआ, ये सेंटर ऑफ द अर्थ रेफरेंस लेना बहुत कठिन होने लगा। तो उस स्थिति में क्या किया, सर्वे ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि ऐसा काम करो कि जिससे हमको रेफरेंस लेना आसान हो। तो रेफरेंस लेना आसान होने के लिए क्या उन्होंने सोचा कि ऐसा सबसे नीचा जगह ढूंढो कि वहाँ से सारे हाइट को मेजरमेंट करना क्या हो, आसान हो। तो उन्होंने सबसे नीचे जगह जो ढूंढा वो सी ढूंढा। क्या ढूंढा? सी, समुंदर ढूंढा। क्या ढूंढा? समुंदर ढूंढा। यहाँ पे बात को समझने की कोशिश करिए, तो सब समुंदर ढूंढा तो उसमें भी क्या देखने को मिला, उसमें भी समुंदर ढूंढा, सबसे नीचे जगह तो ढूंढ लिया समुंदर, लेकिन क्या हुआ कि उसमें भी बहुत तरह का टाइड्स उठने लगते थे। क्या होते थे? टाइड्स उठने लगते थे, इस टाइप के टाइड्स उठने लगते थे। तो इस टाइड का, इसको बोलते थे टाइड्स, टाइड्स मतलब होता है क्या, जो लहरे टाइप उठता है ना टाइड्स, उसी को बोलते हैं टाइड्स, ठीक है ना। तो ये सारे टाइड्स उठने लगे और सारे टाइड्स का एवरेज लिया गया। क्या लिया गया? एवरेज लिया गया। क्योंकि टाइड्स उठेगा तो हाइट फ्लक्चुएट करेगा कि नहीं करेगा, तो ये सारे टाइड का क्या लिया गया, एवरेज लिया गया। और एवरेज लिया गया तो कितना दिन का एवरेज लिया गया, तो बोला कि 19 साल का एवरेज लिया गया, 19 ईयर का एवरेज लिया गया। और 19 ईयर का जब ये एवरेज लिया गया बाबू, 19 ईयर का एवरेज लिया गया, तब इन्होंने एक लेवल डिसाइड किया, इस समुंदर के एक लेवल डिसाइड किया, लेवल डिसाइड किया। तो इसी, और एवरेज को प्यार से बोलते हैं हम लोग मीन। क्या बोलते हैं? मीन, मीन भी बोलते हैं। इसीलिए हम इस लेवल को जो ये ढूंढा सबसे नीचा जगह, उसी लेवल को बोलते थे मीन सी लेवल। क्या बोलते हैं? मीन सी लेवल। देखिए मीन सी लेवल को शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे MSL, मीन सी लेवल। इस चीज को आप समझिए कि मीन सी लेवल क्या होता है। तो समुंदर में उठने वाले जितने भी टाइड्स हैं, सारे टाइड्स का मीन होता है। क्या होता है? मीन से जो हमको लेवल प्राप्त होता है, उसी लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं, मीन सी लेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीन सी लेवल बोलते हैं। और यही मीन सी लेवल यूज होता है एज अ रेफरेंस। क्या यूज होता है? एज अ रेफरेंस। और जब इसको रेफरेंस की जगह पर यूज करते हैं किसके लिए, तो एलिवेशन फाइंड आउट करने के लिए, एलिवेशन को फाइंड आउट करने के लिए। और जब एलिवेशन फाइंड करने के लिए किसके थे, और ऑफ डिफरेंट पॉइंट, ऑफ डिफरेंट पॉइंट को एलिवेशन फाइंड आउट करने के लिए अब हम इसको यूज करने लगे मीन सी लेवल का एज अ रेफरेंस, तब उसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, मीन सी लेवल। क्या बोलते हैं? मीन सी लेवल। तो बड़े आसानी से समझने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे समुंदर का एवरेज हाइट लिया गया और एक अलग से लेवल पता चला, और ये लेवल बना MSL वाली लेवल। क्या बना? MSL वाली लेवल, इसको बोलते हैं मीन सी लेवल। क्या बना? मिला मीन सी लेवल। चीज़ों को आप समझिए, फिर से मीन सी लेवल को समझने की कोशिश कीजिए कि कुछ नहीं है कि मीन सी लेवल हम एक एवरेज पता किए टाइड्स का, समुंदर में उठने वाला टाइड्स था, और उससे एक नया लेवल पता चला, और इस लेवल को हम लोग यूज करने लगे रेफरेंस के जैसा। किस लिए? तो एलिवेशन फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। बात तो यहाँ पे ये आती है, इफेक्टिव बात तो ये आती है कि सर ये जो मीन सी लेवल है वो कहाँ से डिसाइड करते हैं।
मीन सी लेवल जो है वो कहाँ का मीन सी लेवल से डिसाइड करते हैं। तो देखिए दो बात आती है, जो मीन सी लेवल जो डिसाइड करने की दो जगह है, सबसे पहले आज़ादी के बाद, आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले। समझने की कोशिश कीजिए, आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले, आज़ादी के पहले की बात करो। जब हम लोग को इंडिपेंडेंसी नहीं मिली थी तब उस समय हमारे देश के साथ, हमारे देश के साथ इंडिया के साथ कोई और अदर कंट्री कंबाइंड था। तो आज़ादी के पहले की बात अगर मीन सी लेवल कहते थे तो वो कराची से लिया था। कहाँ से लिया था? कराची से। आज़ादी के बाद जो हम लोग को लिया गया कहाँ से मीन सी लेवल? मुंबई से। तो एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मीन सी लेवल जो हम लोग समुंदर का एवरेज टाइड कहाँ के लेते हैं, तो बोला कि मुंबई से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? मुंबई से। आज़ादी के पहले कराची से और आज़ादी के बाद, तो बताओ अभी कहाँ से लिया गया होगा, अभी कहाँ से लिया जा रहा होगा? तो बोला कि मुंबई से। क्यों? क्योंकि अभी आज़ादी के पहले कि आज़ादी के बाद है? चंडाल नींद में भी रहेगा तो बोला आज़ादी के बाद है। ठीक है, तो समझने की पूरा कोशिश कीजिए। हम मीन सी लेवल का भी डिफाइन करते हैं। सबसे पहले तो एक बार समरी के तौर पर बोलते हैं कि मीन सी लेवल एक नया रेफरेंस मिला, जो मिला एवरेज टाइड था समुंदर की। अब ये एवरेज टाइड्स के एक लेवल बना और इस लेवल से हम पॉइंट सी का लोकेशन पता कर सकते हैं, पॉइंट सी का क्या हाइट पता कर सकते हैं, इसी लेवल से पॉइंट ए का हाइट पता कर सकते हैं और इसी लेवल से पॉइंट डी का पता कर सकते हैं। इसका मतलब हमारा टारगेट था कि ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट का आप एग्जैक्ट क्या पता करें, हाइट पता करें। कहाँ से? तो डिफरेंट डिफरेंट रिलेटिव से, डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंस से। तो अभी दो रेफरेंस की सहारा लिया, एक रेफरेंस सेंटर और दूसरा रेफरेंस एमएसएल। तो सबसे पहले मीन सी लेवल का डिफाइन करते हैं पॉज करके। अब हम लोग बात करें, देखिए मीन सी लेवल का डिफाइन किए। मीन सी लेवल इज द एवरेज हाइट ऑफ द सी फॉर ऑल स्टेज ऑफ टाइड एट एनी पार्टिकुलर प्लेस। तो एनी पार्टिकुलर प्लेस में कहा जाएगा मुंबई। अभी जो हम लोग कहाँ से कंसिडर कर रहे हैं? मुंबई से। ठीक है ना, किस जगह से अब हम लोग अभी मीन सी लेवल कैलकुलेट कर रहे हैं? तो मुंबई से। इट कैलकुलेटेड बाय द एवरेज हाइट ऑफ द टाइड्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड। 19 साल का एवरेज जब भी बोला लिखवाया था, कह रहा कि मीन सी लेवल इज यूज एज ए रेफरेंस एज इज नोन एज डटम। जब मीन सी लेवल को किसी हाइट को पता करने के लिए अगर हम यूज करने लगेंगे तब उसको हम क्या बोलते हैं? डटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डटम। यानी मीन सी लेवल ही क्या है? एक प्रकार का क्या है? डटम है। क्या है? डटम। तो डटम भी सेम है और मीन सी लेवल भी क्या है? सेम है। तो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए कि डटम कब बोलेंगे? जब मीन सी लेवल को, किसको? मीन सी लेवल को अगर रेफरेंस के जैसा, यानी किसी को हाइट को मेजरमेंट करने के लिए जब यूज करेंगे तब उसको मीन सी लेवल ना बोलकर क्या बोलेंगे? भाव डटम बोलेंगे। जैसे पानी के लिए यूज करते हैं, पीने के लिए यूज करते हैं पानी को, तो बोलते हैं पानी। भगवान पर लेके जाओ उसको बोलेंगे जल। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश कीजिए। जब सिर्फ ऐसे ही रहेगा तो उसको बोलेंगे मीन सी लेवल, लेकिन जब उसको किसी रेफरेंस के जैसा बिहेव, रेफरेंस के जैसा यूज करेंगे तब उसको रेफरेंस मीन सी लेवल ना बोले क्या बोलेंगे? डटम। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया गया। तो अपन एक टर्म और क्लियर किया, डटम। तो डटम क्या है? कुछ नहीं है, मीन सी लेवल यूज्ड एज अ रेफरेंस इज नोन एज डटम। ठीक है ना, एक बात और आती है, क्या आती है कि यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा पॉज करते हैं। अब जो हम लोग बात करेंगे एलिवेशन की, दिखाई पड़ रहा है? हाँ, एलिवेशन की। देखिए ये सब टेक्निकल टर्म यूज होगा कहाँ पे। एलिवेशन क्या कुछ नहीं है कि द हाइट, द वर्टिकल हाइट मेजर विथ रिस्पेक्ट टू डटम कॉमा इज नोन एज एलिवेशन। समझने की कोशिश कीजिए कि अगर यहाँ पे
अगर मीन सी लेवल से, यानी इस मीन सी लेवल से अगर ये डी वाला को हाइट को मेजरमेंट करें, मीन सी लेवल से अगर डी वाला हाइट को मेजरमेंट करेंगे तो डी पॉइंट का क्या हो गया, एलिवेशन हो गया। अगर इसको मान लें एच वन, तो हम बोलेंगे एच वन इज द, लिखें दिखाई पड़ा ना, एच वन इज द एलिवेशन ऑफ पॉइंट डी। एच वन क्या है, डी पॉइंट का एलिवेशन है। कहाँ से, तो एलिवेशन कहने का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू द टर्म, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू बोलवे नहीं कीजिएगा, डट टर्म के रिस्पेक्ट में एच वन है। तो यहाँ तक अपन कर लिया फिनिश। अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं बेंचमार्क की, किसकी बात करते हैं, बेंचमार्क की। थोड़ा सा इसको अब करते हैं वीरेज और फिगर को बड़ा क्लीन करते हैं, टर्म को रिमूव करते हैं, एक नया टेक्निकल टर्म है बेंचमार्क। तो कुछ नहीं है, बेंचमार्क का डिफिनेशन आसान है, आसान से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले नहीं, बेंचमार्क इज अ रिलेटिव रिफरेंस हुज लोकेशन इज नोन, जिसकी लोकेशन हमको पहले से पता होनी होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम काम कर रहे हैं और काम करते समय क्या हुआ कि यहाँ पे एक अपने से एक नया एस्टेब्लिश कर दिए बेंचमार्क। अब ये बेंचमार्क जो हम लोग इसको बोलेंगे बेंचमार्क, ठीक है ना, यहाँ पे एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया कि यहाँ से यहाँ तक हमने इसकी पता कर लिया मीन सी लेवल के रिस्पेक्ट में, इसकी जो हाइट पता कर लिया बाओ मीन सी लेवल के रिस्पेक्ट में। तो मीन सी लेवल के रिस्पेक्ट में मान लिया कि हाइट एच वन पता किया, तो बताओ इसके रिस्पेक्ट में क्या, हम ए वन की नहीं पता कर सकते हैं, ए वन की हाइट पता कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। तो यहाँ से हम ये बोले कि सबसे पहले तो एक बेंचमार्क एस्टेब्लिश कर लो, क्यों, क्योंकि ए को पता करना डायरेक्ट यहाँ से थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, कॉन्वीनियंट नहीं होगा। तो अपने सुविधा के ख्याल से क्या करते हैं, किसी दूसरे रेफरेंस के रिस्पेक्ट में एक नया रेफरेंस बनाते हैं, तो उसी रेफरेंस को हम लोग बोलते हैं बेंचमार्क। बड़ा आराम से समझिए, बेंचमार्क क्या होता है, किसी दूसरे नॉन रेफरेंस के रिस्पेक्ट में एक नया रेफरेंस बनाते हैं, तो उस रेफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, बेंचमार्क। तो बेंचमार्क अगर बना रहे हैं आप खुद से, तो उसकी क्या होगी, लोकेशन ऑलरेडी पहले से पता होगी, लोकेशन इज नोन, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंचमार्क। तो बेंचमार्क देखिए, बेंचमार्क हम लोग एस्टेब्लिश करते क्यों हैं, तो काम को आसान बनाने के लिए, आप इसकी पॉइंट को आसानी से हाइट को पता करने के लिए, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बेंचमार्क एस्टेब्लिश करते हैं। तो बेंचमार्क क्या है, तो बेंचमार्क एक नॉन लोकेशन वाला एक पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट है, जिससे हम लोग किसी दूसरे पॉइंट की लोकेशन को, किसी दूसरे पॉइंट की एलिवेशन को पता करते हैं। तो यहाँ से आती है टाइप्स ऑफ बेंचमार्क। टाइप्स ऑफ बेंचमार्क, बेंचमार्क सबसे पहले जीटीएस बेंचमार्क होता है, जीटीएस बेंचमार्क, उसके बाद होता है परमानेंट बेंचमार्क, और उसके बाद जो होता है एक होता है टेम्पररी बेंचमार्क। और एक जो होता है वो होता है आर्बिट्री बेंचमार्क। आर्बिट्री बेंचमार्क, कभी कभी बेंचमार्क को हम शॉर्ट में हम बेंचमार्क को बीएम से लिखेंगे, आप लोग समझ जाइएगा, बेंचमार्क बीएम, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आसानी से सबका मतलब समझते हैं कि ये बेंचमार्क कब एस्टेब्लिश करते हैं, ये बेंचमार्क कब एस्टेब्लिश करते हैं, सब चीज़ का हम लोग को पता करना है पूरा एनालिसिस के साथ। तो सुन लीजिए, और कौन करता है, देखिए
जब हमारा प्रोजेक्ट बहुत लंबा है, जब हमारा प्रोजेक्ट बहुत लंबा है और उसमें हायर एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस स्थिति में हम बेंचमार्क खुद से डिसाइड ना करके सर्वे ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। जब सर्वे ऑफ इंडिया डिसाइड करते हैं, इसका जो डिसीजन करता है सर्वे ऑफ इंडिया, कौन करता है? सर्वे ऑफ इंडिया, इंडिया डिपार्टमेंट, आतंकवाद डिपार्टमेंट नहीं, सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट, ठीक है ना। तो सर्वे ऑफ जीटीएस बेंचमार्क का जो डिसाइड करता है वो कौन करता है, या एस्टेब्लिश कौन करता है? जीटीएस बेंचमार्क का जो एस्टेब्लिशन करता है वो करता है सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट। तो जीटीएस का पूरा नाम देख लीजिए थोड़ा सा, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे, और इससे मतलब हायर एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट होती है तब। तो देखिए, जब कंट्री टू कंट्री बेंचमार्क एस्टेब्लिश करता है ये सब चीज, ठीक है ना, तो जीटीएस जो बेंचमार्क होता है वो हम डिसाइड नहीं करते हैं, आप डिसाइड नहीं करते हैं, वो कौन करता? तो सर्वे ऑफ इंडिया डिसाइड करता, ठीक है ना। एक होती है परमानेंट बेंचमार्क, तो परमानेंट बेंचमार्क कब डिसाइड करते हैं? तो जब बहुत लंबे समय तक काम चल रहा है, बहुत लंबे समय तक काम चल रहा है और वहाँ पे पॉइंट का एलिवेशन पता करना है, तो उस समय जो हम लोग बेंचमार्क डिसाइड करते हैं तो वो बेंचमार्क होता है परमानेंट बेंचमार्क। एक होता है टेम्पररी बेंचमार्क। टेम्पररी बेंचमार्क क्या होता है कि अगर एक दो दिन में काम ख़त्म होने वाला है, चाहे हर एक दिन के लिए अगर काम करना है, तो ख़त्म हुआ काम, फिर से वहाँ पे नया बेंचमार्क एस्टेब्लिश किए, फिर ख़त्म हुआ, फिर से नया बेंचमार्क एस्टेब्लिश किए। तो जब ख़त्म काम होने के बाद जो हम लोग नया रेफरेंस पॉइंट मेजर अति मतलब नया रेफरेंस पॉइंट एज्यूम करते हैं, तब उसको बोलेंगे टेम्पररी बेंचमार्क, और वे हर एक दिन के लिए अलग अलग टेम्पररी बेंचमार्क होगा। एक दिन को काम को ख़त्म करने के लिए, एक दिन आज के काम पूरा ख़त्म हुआ, ठीक है, तो वहाँ पर एक बेंचमार्क लगा दिए, ठीक है ना, कि यहाँ पे इतना तक हम लोग ख़त्म किए और यहाँ पे एक बेंचमार्क एस्टेब्लिश कर दिए कि जो इस पॉइंट का एलिवेशन कितना है, 5 मीटर है मीन सी लेवल से। अब यहाँ पे काम ख़त्म हो गया, 5 मीटर मीन सी लेवल से है, अब अगला दिन आएंगे तो हमारा आसान होगा अगला पॉइंट की एलिवेशन पता करने में, अगला पॉइंट की एलिवेशन पता करने में, नहीं तो फिर से यहाँ से फिर मेजरमेंट करना होता, फिर बात बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग परमानेंट बेंचमार्क जो करते हैं वो बहुत लंबे टाइम के लिए करते हैं, टेम्पररी बेंचमार्क करते हैं पूरे एक दिन के काम को ब्यौरा रखने के लिए। तो आर्बिटरी बेंचमार्क होता है कि अपने काम को सुविधा के ख्याल से, काम को सुविधाजनक बनाने के लिए जो जो बेंचमार्क हम लोग एस्टेब्लिश करते हैं, यानी कौन सी जगह से हमको आसानी से हमारा पॉइंट का एलिवेशन पता हो, तब हम उस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं आर्बिटरी बेंचमार्क। बेंचमार्क डिसाइड करने का यही मतलब है कि हम लोग को पॉइंट को कॉन्वेनियंटली और एक्यूरेसी के साथ क्या करें, डिसाइड कर लें उसकी एलिवेशन को, यानी ओवरऑल लेबलिंग में हम लोग यही बात किया, लेबलिंग में हमने यही बात किया कि किसी भी जगह का पॉइंट को पता करो कि उस पॉइंट की एलिवेशन कितनी है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिए और इसको हम करते हैं इरेज, पहुंच कर देते। अब हम लोग बात करेंगे इसकी पूरी की डिफाइन, जो भी बेंचमार्क के टाइप्स पढ़ा, ठीक है। तो कह रहा है कि जीटीएस बेंचमार्क, ग्रेट टेक्नोमेट्रिकल सर्वे, ठीक है ना, कह रहा है कि दीज बेंचमार्क एस्टेब्लिश बाय नेशनल एजेंसी, कौन एस्टेब्लिश करता है इस बेंचमार्क को, तो नेशनल एजेंसी सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट करता है। कह रहा है कि जीटीएस बेंचमार्क आर एस्टेब्लिश ऑल ओवर द कंट्री विथ हायर प्रिसीजन, द डेटम फॉर द बेंचमार्क बीइंग मीन सी लेवल एट ब्रॉन्ज प्लेट इज प्रोवाइडेड ऑन द टॉप ऑन विच द एलिवेशन इज रिटन। बोला जाता है कि जहाँ पे भी जीटीएस बेंचमार्क एस्टेब्लिश किया जाता है तो उसके ऊपर एक टॉप ब्रॉन्ज प्लेट लगा रहता है, और इस टॉप ब्रॉन्ज प्लेट में क्या लिखा था, उसकी एलिवेशन को लिखा रहता है कि इतना मीटर है, इतना मीटर मीन सी लेवल से हाइट, ठीक है ना। तो ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त है और याद ध्यान देने वाली बात है कि ब्रॉन्ज प्लेट प्रोवाइड आता है किस लिए, तो उसको एलिवेशन को लिखा रहता है, टॉप ब्रॉन्ज प्लेट रहता है और उस पर क्या रहता है, एलिवेशन को लिखा रहता है कि यहाँ समुद्र तल से इसकी ऊंचाई इतना है और ये
हम नहीं डिसाइड करते हैं, आप डिसाइड नहीं करते हैं, ये नेशनल एजेंसी डिसाइड करता है, जो कि नेशनल एजेंसी सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट इसकी डिसाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि ये कहानी ख़त्म हो गई और इसकी बहुत शुद्धता के साथ मतलब हाई प्रिसीजन वैल्यू के साथ मतलब इसकी मतलब क्या क्या आता है एस्टेब्लिश किया जाता है। दूसरा है परमानेंट बेंचमार्क, कह रहा है कि दीज बेंचमार्क एस्टेब्लिश बाय स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी, इसको स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी एस्टेब्लिश करता है, लाइक कौन PWD। देखो SSC JEE का जो एक पोस्ट होता है जूनियर इंजीनियर का, वो PWD भी होता है, ठीक है ना, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है ना, तो PWD भी इसको क्या करता है एस्टेब्लिश करता है, SSC JEE से, यानी जूनियर इंजीनियर इसको एस्टेब्लिश करता है, यानी आप लोग करिएगा इसको एस्टेब्लाइजेशन, ठीक है ना। टेम्प्रेरी बेंचमार्क क्या होता है, देखिए सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला ऑब्जेक्टिव में यही है टेम्प्रेरी बेंचमार्क, कि टेम्प्रेरी बेंचमार्क का हम लोग जो यूज क्यों करते हैं, कब करते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है दिस टाइप्स ऑफ बेंचमार्क एस्टेब्लिश एट द एंड ऑफ द डेज ऑफ द वर्क, देखिए ई वाला बात को हाईलाइट कीजिएगा कि अगर एक दिन का काम समाप्त हुआ तो उस काम को जब छोड़ेंगे तो वहाँ पे एक अलग से अपना कुछ एलिवेशन को नोट डाउन कर देंगे और वो बेंचमार्क को एस्टेब्लिश करने के बाद हम लोग बोलेंगे उस बेंचमार्क को टेम्प्रेरी बेंचमार्क, ठीक है ना। इसलिए करते हैं कि नेक्स्ट डे जो हम लोग काम वहाँ से स्टार्ट करें और काम करने में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। एक आता है आर्बिटरी बेंचमार्क, कह रहा है कि इट मे बी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट द डिफरेंस इन एलिवेशन इज नेबरिंग पॉइंट इज मोर, क्या करता है कि जहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं ये यहाँ पे बेंचमार्क एस्टेब्लिश करने के लिए सोचते हैं तो वहाँ पे अगल बगल का जो एलिवेशन है वो बहुत ज़्यादा का फ्लैक्चुएसन आता है एलिवेशन का, तो उस समय हम अपने सुविधा के ख्याल से जो अलग हम लोग बेंचमार्क एस्टेब्लिश करते हैं तब उसको बोलते हैं आर्बिटरी बेंचमार्क। इसकी आर्बिटरी बेंचमार्क में कौन कौन सा चीज़ का एस्टेब्लिश करते हैं, प्लिंथ ऑफ बिल्डिंग कॉर्नर को भी कर सकते हैं, कलवर्ट की कॉर्नर को, ये सारी चीज़ को हम लोग बेंचमार्क जैसा यूज करते हैं। कैसा बेंचमार्क, टेम्प्रेरी आर्बिटरी बेंचमार्क। तो बात रही टेम्प्रेरी बेंचमार्क की, तो टेम्प्रेरी बेंचमार्क एक दिन का काम खत्म होने के बाद जो बेंचमार्क एस्टेब्लिश करेंगे नेक्स्ट डे कंटिन्यू करने के लिए तब उसको बोलेंगे टेम्प्रेरी बेंचमार्क। परमानेंट बेंचमार्क को हम नहीं, कौन डिसाइड करता है, तो एस्टेब्लिश करता है स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी, नेशनल गवर्नमेंट एजेंसी GTS को करता है, सबसे हायर एक्यूरेट GTS होता है, चूँकि इसको ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे के द्वारा और मतलब बहुत अच्छे अच्छे इंजीनियर के द्वारा किया जाता है, अच्छे अच्छे कहने का मतलब हम अपने IIT ये सब होते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप बड़े आराम से समझ गए, टाइप्स ऑफ बेंचमार्क हुए फिनिश। अब हम लोग एक छोटा सा टॉपिक बच चुका है, वो है रेड्यूस लेवल, ठीक है ना। देखिए इसको बोल रहे हैं लेवल सरफेस और इसको बोल रहे हैं जियोडेटिक सरफेस, ठीक है ना। अब मान लिया जाए कि इस पॉइंट का एलिवेशन पता करना, इस पॉइंट का एलिवेशन, अगर पॉइंट ए का एलिवेशन पता करना है तो पॉइंट ए का एलिवेशन पता करने के लिए आप तो सबसे पहले क्या चीज़ के पास जाइएगा, एक जाइएगा आप सेंटर ऑफ द अर्थ के पास, जो सेंटर ऑफ द दिखाई पड़ा ना, सेंटर ऑफ द अर्थ, और एक जाइएगा मीन सी लेवल के पास, किसके पास, मीन सी लेवल, एक जाइएगा किसके पास, मीन सी लेवल। तो बड़े आराम से इस पॉइंट का एलिवेशन के लिए आपके पास दो दो रेफरेंस हो गए, एक तो हो गया सेंटर ऑफ द अर्थ और दूसरा हो गया मीन सी लेवल। बड़ा आराम से समझिए, ए पॉइंट का एलिवेशन पता करने के लिए आपने दो दो रेफरेंस का सहारा लिया, पॉइंट ए का एलिवेशन पता करने के लिए दो दो रेफरेंस का सहारा लिया। तो जब सेंटर ऑफ द अर्थ से सहारा लिया तब उसको बोल रहे थे एब्सोल्यूट लेवल, क्या बोल रहे थे, एब्सोल्यूट लेवल। और जब वही बात, जब वही बात अगर मीन सी लेवल के रिस्पेक्ट में अगर इस पॉइंट का एलिवेशन पता करते हैं तब उसको बोलते हैं रेड्यूस लेवल, रेड्यूस लेवल, और इसी को बोलते हैं RL। और आपकी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होने वाला है हर एक चीज़ में आपकी RL फाइंड करना है, फाइंड दे RLवा, फाइंड दे RLवा, ठीक है ना। तो RL की फाइंड करना ही पड़ेगा हर हाल में, तो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए। अब यही पॉइंट को मान लीजिए कि यहाँ पे बेंचमार्क है, इस बेंचमार्क एस्टेब्लिश करके इस बेंचमार्क के रिस्पेक्ट में यही पॉइंट का हाइट पता करेंगे तब इसको बोलेंगे क्या, इस पॉइंट को बोलेंगे बेंचमार्क, ठीक है ना। देखिए किसी भी चीज़ को पता करने का बहुत तरीका है, तो सबसे पहले तो हम कोशिश करेंगे समझने की रेड्यूस लेवल,
लिखेंगे द एलिवेशन, द एलिवेशन ऑफ एनी पॉइंट, पॉइंट एनी पॉइंट मेजर, मेजर विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू द टर्म और मीन सी लेवल, दोनों में से कोई, दोनों तो सेम चीज है, मीन सी लेवल कॉमा इज नोन एज रिड्यूस लेवल। रिड्यूस लेवल को सबसे हाईलाइट करके आपको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर एक बात में रिड्यूस लेवल और बेंचमार्क दो ही चीज, बेंचमार्क रिड्यूस लेवल। बेंचमार्क क्या है? बेंचमार्क नॉन लोकेशन है। बेंचमार्क क्या है? नॉन लोकेशन है, लोकेशन। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। अभी तक जो हम लोग बात पढ़ा, चार बात, देखिए होल समरी के तौर पर एक बात हम बताने की कोशिश करते हैं, चारों बात जो भी पढ़ा। रिड्यूस लेवल समझ आया? दो चीज पढ़ा, रिड्यूस लेवल और एब्सोल्यूट लेवल। अगर मीन सी लेवल के रिस्पेक्ट में कोई पॉइंट का एलिवेशन बता रहे हैं, यही तो है एलिवेशन, ठीक है ना। तो अभी चीज जो हम पढ़ा, एक पढ़ा क्या, एब्सोल्यूट लेवल, एब्सोल्यूट लेवल। एब्सोल्यूट लेवल कहां, किसके रिस्पेक्ट में? सेंटर ऑफ द अर्थ, रिड्यूस लेवल है पढ़ा ना, पेन चेंज करें, रिड्यूस लेवल मीन सी लेवल के रिस्पेक्ट में, बेंचमार्क, बेंचमार्क किसके रिस्पेक्ट में? अरे बेंचमार्क किसी एनी अदर, या बेंचमार्क किसके रिस्पेक्ट में? बेंचमार्क जो हम लोग डिसाइड कर रहे थे, मीन सी लेवल, मीन सी लेवल और एनी अदर रेफरेंस, अदर रेफरेंस। यही चार चीज में, तीन चीज में कन्फ्यूजन होता है। मीन सी लेवल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मीन सी लेवल को ही बोलते हैं डट टर्म। क्या बोलते हैं? डट टर्म। कब? कब? जब मीन सी लेवल को रेफरेंस के जैसा यूज करने लगते हैं, तब मीन सी लेवल को मीन सी लेवल ना बोलकर क्या बोलते हैं? डट टर्म बोलते हैं। तो ये सारे चीज ओवरऑल हम लोग किया फिनिश। आज की क्लास इतना ही, अब करेंगे नेक्स्ट डे कंटिन्यू इसी एनर्जी के साथ। तो अभी कुछ दिन तक छुट्टी रहेगा, दो तीन दिन, उसके बाद